दोस्तों आजकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा टर्म इंश्योरेंस चर्चा में है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस सभी व्यक्ति ले रहे हैं। आज के इस टाइम में टर्म इंश्योरेंस हर व्यक्ति ले रहा है, क्योंकि इसका प्रीमियम बहुत ही कम होता है और इसमें जो इंश्योरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग इसे लेना अच्छा समझते हैं, क्योंकि इससे उनकी जो इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है, जो उनके ना रहने पर उनकी फैमिली को कवर करती है, वो पूरी हो जाती है। इसीलिए ज़्यादातर लोग टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। वैसे ही LIC ने एक सरल जीवन बीमा जो कि टर्म इंश्योरेंस प्लान है वो लॉन्च किया है 16 अप्रैल में, और उसके साथ साथ बाकी जो इंश्योरेंस कंपनी है अदर, उन्होंने भी ये प्लान लॉन्च किया है। तो सभी के अलग अलग प्लान के फीचर्स हैं। LIC ने इस प्लान को काफ़ी अच्छे से बनाया, तो इसकी डिटेल में बात करेंगे हम। और साथ ही साथ आप इसे LIC से ले सकते हैं, या आप LIC की साइट पर जाकर ऑनलाइन भी इसे ले सकते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप इस प्लान को ले सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। आप दूसरे बैंकों का भी ले सकते हैं, उसके भी ऑप्शन हैं। आप साइट पर जाकर ऑनलाइन वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं LIC के सरल जीवन बीमा की बात करूँगा। तो दोस्तों इस चैनल पर आपको फाइनेंस रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं। यहाँ पर मैं आपको पैसों से जुड़ी काफ़ी सारी बातें बताता हूँ, जिससे कि आप जल्दी ही पैसे को ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देता रहा हूँ। तो चैनल को इसलिए जल्दी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी मिनिमम जो एज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 18 ईयर्स इसकी मिनिमम एज है और 65 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज है। अब अगर 65 ईयर वाले व्यक्ति इस प्लान को लेते हैं तो उन्हें सिर्फ 5 साल की टर्म मिलेगी, क्योंकि इस प्लान की जो मैच्योरिटी एज रखी गई है वो 70 ईयर्स की रखी गई। तो 65 ईयर वाले व्यक्ति को सिर्फ 5 साल की टर्म मिलेगी, जिससे कि 70 ईयर्स पर प्लान की मैच्योरिटी हो जाएगी। टर्म की बात करूँ तो टर्म आप इसमें 5 साल से लेकर और 40 साल तक की टर्म ले सकते हैं, मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम टर्म 40 साल। अब अगर इसमें समय अश्योर्ड की बात की जाए इस प्लान में, तो समय अश्योर्ड मिनिमम 5 लाख का है और मैक्सिमम समय अश्योर्ड 25 लाख तक इसमें दिया गया है प्लान में। अब बात कर लेते हैं इसके मोड की। तो इसमें 3 मोड से आप अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक सबसे पहला है रेगुलर प्रीमियम, मतलब जितने टाइम की भी आप पॉलिसी लेंगे, जो मैंने इसमें टर्म बताई है 5 साल से लेकर 40 साल तक की, तो जितने टाइम की भी आप टर्म लेंगे उतने टाइम ही आपको अपना प्रीमियम पे करना होगा रेगुलर प्रीमियम में। उसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन दिया है, सेकंड ऑप्शन इस प्लान में दिया गया है लिमिटेड प्रीमियम का। मतलब अगर आप कम टाइम प्रीमियम देना चाहते हैं, मान लीजिए आपने 20 साल की टर्म ली है और आप प्रीमियम अगर कम टाइम देना चाहते हैं, तो उसका ऑप्शन इसमें दिया गया है, वो है 5 साल की आप टर्म ले सकते हैं इसमें, या 10 साल की जो लिमिटेड प्रीमियम। अगर आपने 20 साल की टर्म ली है पॉलिसी की और आप 5 साल प्रीमियम पे करना चाहते हैं, तो आप 5 साल की इसमें पेमेंट का जो मोड है वो ले सकते हैं, या आप 5 से लेकर 10 साल तक का कोई सा भी मोड आप इसमें से ले सकते हैं, 5-6 साल, जितने टाइम में भी आपको अपना प्रीमियम पे करना होगा। बाकी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आपने 10 साल तक प्रीमियम पे किया है और 20 साल की टर्म आपने ली है पॉलिसी की, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि बाकी के 10 साल इंश्योरेंस नहीं चलेगा। लिमिटेड प्रीमियम का मतलब ये है कि आपने 20 साल की जगह 10 साल में ही अपना प्रीमियम LIC को पे कर दिया, तो इसका फ़ायदा ये है कि आपने 10 साल में प्रीमियम पे कर दिया, तो बाकी के 10 साल आपका इंश्योरेंस वैसे ही चलता रहेगा, आपको कोई भी पैसा LIC को दोबारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड ऑप्शन इसमें दिया गया है सिंगल प्रीमियम का। अगर आप सिर्फ एक बार ही पैसा देकर और उसके बाद फिर पैसा देना नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको इंश्योरेंस मिलता रहे, तो आपने जितने भी टाइम की टर्म ली है, 20 साल या इसमें 40 साल तक की टर्म है, आपने 40 साल तक की अगर टर्म ली है, तो उसके लिए आप सिंगल प्रीमियम पे कर सकते हैं ओनली एक बार, और उसके बाद आपको फिर दोबारा से प्रीमियम पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं, ये सारी बातें हमने इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर ली है। अब इसमें अगर बात करूं मैं लोन की, तो दोस्तों लोन या सरेंडर टर्म प्लान में इसमें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी मैच्योरिटी नहीं मिलती है। टर्म प्लान का मकसद सिर्फ यही होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना। जितना ज़्यादा आपको इंश्योरेंस चाहिए होता है, इसमें कम प्रीमियम में आपको ज़्यादा इंश्योरेंस बैंक से मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कम पैसों में ज़्यादा इंश्योरेंस आपको मिल जाता है टर्म प्लान में, इसीलिए ये टर्म प्लान लॉन्च किए जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी डेथ बेनिफिट की, कि डेथ बेनिफिट में क्या क्या है। तो इस प्लान में जो LIC ने डेथ सबसे पहले वेटिंग पीरियड रखा है 45 डेज़ का, मतलब 45 दिन का उन्होंने वेटिंग पीरियड रखा है। उसके बाद अगर डेथ होती है या उससे पहले डेथ होती है, दोनों कंडीशन में क्या होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं पहले। दोस्तों जो 45 डेज़ का वेटिंग पीरियड है, उससे पहले अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को जितना भी आपने प्रीमियम पे किया है वो टैक्स कटने के बाद वो मिल जाता है पॉलिसी होल्डर को, चाहे वो तीनों में से कोई सा भी मोड उसने लिया हो, सिंगल प्रीमियम का, लिमिटेड प्रीमियम का या रेगुलर प्रीमियम का, जो भी मोड उसने लिया है, जो प्रीमियम जमा किया है एक्सक्लूडिंग टैक्स, मतलब टैक्स को काटने के बाद जो बचा वो आपकी नॉमिनी को मिल जाता है। अब बात करते हैं कि
45 डेज के बाद जो रिस्क कवर शुरू हो जाता है। तो रिस्क कवर शुरू होने के बाद क्या होगा? तो दोस्तों डेथ इस प्लान में चाहे नॉर्मल हो या एक्सीडेंट्स हो, अगर 45 डेज के बाद जो रिस्क कवर शुरू हो जाता है, वेटिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है, उसके बाद डेथ अगर हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो सम एश्योर्ड उसके नॉमिनी को मिलता है। सम एश्योर्ड उसने चाहे जितने का भी लिया हो, चाहे 20 लाख का, 5 लाख का या 40 लाख का, फिलहाल तो इस प्लान में 5 लाख से लेकर 25 लाख तक है, तो सम एश्योर्ड जितना भी लिया होगा, 20 लाख का लिया है तो सम एश्योर्ड उसके नॉमिनी को मिल जाएगा, डेथ एक्सीडेंट से हो या नॉर्मल हो। और जो भी उसने मोड लिया हो, मोड से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है सिर्फ प्लान लेने से कि आपने प्लान कौन सा लिया है, कितने लाख का लिया है, बाकी मोड से और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने सिंगल प्रीमियम पे किया था, आपने रेगुलर प्रीमियम पे किया था या आपने लिमिटेड प्रीमियम पे किया था। प्रीमियम देने से कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क है कि आपने प्लान लिया है। तो वेटिंग पीरियड के बाद डेथ होने पर 100% सम एश्योर्ड मिलता है। आपने अगर 20 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो आपके नॉमिनी को 20 लाख रुपये मिल जाएंगे अगर डेथ होती है तो। और दूसरी बात, अगर आप 20 साल की पॉलिसी ली है और 20 साल कंप्लीट हो गए हैं, अब उसके बाद जैसे मैंने पहले ही प्लान में बता दिया है कि इस प्लान में मैच्योरिटी नहीं होती, तो आप ऐसा ना सोचें कि 20 साल के बाद आपको मैच्योरिटी मिलेगी, आप इतने टाइम से प्रीमियम दे रहे हैं मैच्योरिटी मिलेगी, तो दोस्तों मैच्योरिटी नहीं मिलती है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, और मन में अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो उसे नीचे कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ, और फाइनेंस की बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आपको इस चैनल पर दूंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।